बड़ी खबर, नागपुर में जाको राजनीति नहीं चलती। नितिन गडकरी। नागपुर बीजेपी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अधिवेशन का शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन हुआ। इस दो दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए गडकरी ने कहा कि देश में भले ही जात पात को रणनीति चलती हो, लेकिन नागपुर में ऐसा नहीं है। नागपुर में दलित समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। नागपुर की विशेषता यह है कि भूमि अम्बेडकर की दिशा और दीक्षा और राष्ट्रवाद का विचार देने वाले डॉक्टर हेडगेवार की भूमि है। बीजेपी के शीर्ष पर नेताओं ने जो सरकार हमें मिले है उसमें जाति धर्म लिंग से कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। बीजेपी के बारे में विशेष तौर से कांग्रेस ने ग्रुप प्रचार किया है। जातिवाद का कारण पुराना इतिहास सामाजिक व्यवस्था का दोष था, यह हिंदू समाज की कमी थी। संघ के प्रचारक दंतोपंत हेगड़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वीय सहायक थे। उन्होंने उनके जीवन पर किताब लिखी है जिसे सब ने पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर खुद के संघ को समर सत्ता को लेकर शुरू किए गए काम से प्रभावित थे, लेकिन अंत में धर्म परिवर्तन के समय उन्होंने खुद दंतोपंत से कहा था, आपका काम अच्छा है, इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं जातिवाद को तोड़ने के लिए अधिक सुख इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा हूँ। दलित समाज से आने वाले कई लोग संघ में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के उत्थान का काम किया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अंबेडकर को हराने के लिए भंडारा में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। सावरकर हमारे लिए देवता है, उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। बीजेपी के कार्यकर्ता विचारों के लिए काम करते हैं। राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी का इतिहास बलिदान का है। जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया वह हमने 4.5 साल में करके दिखाया है। हमारे कामों का सोशल ऑडिट होना चाहिए, यह काम कोई भी कर सकता है। हम अपने कामों का खिताब देने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सुशासन और विकास का है, हम देश को बदल रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता के किंग मेकर हम है। एक दल को हराने के लिए सब साथ आ रहे जो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे वो साथ आ रहे हैं। भतीजा बुआ के साथ जा रहा है। बीजेपी माँ बेटे पिता पुत्र और पब्लिक लिमिटेड पार्टी नहीं है। इस पार्टी में मुझे औकात से ज्यादा दिया है। गंगा को साफ करने के लिए 26,000 करोड़ के काम होने वाले हैं। अब तक सिर्फ 10% काम हुआ है जिससे गंगा अविरल हुई है। मार्च 2020 तक गंगा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। सिर्फ गंगा ही नहीं 40 उपनदियां और नालों को साफ करने का बड़ा जिम्मा उठाया है। यमुना को साफ करने के लिए 4,000 करोड़ के काम शुरुआत हो चुकी है। राजीव गांधी ने गंगा सफाई के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया था, वो पैसे कहाँ गए इसका हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए। अम्बेडकर के विचार को लेकर चलने वाले नेता लंबे समय से मुंबई में इंदू मिल की जगह की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, हमने हजारों करोड़ की भूमि देने का निर्णय लिया। नागपुर में यशवंत स्टेडियम की जगह पर भव्य स्मारक बनाने जा रहा है। मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, महापौर थे। मैं राज्य में निर्माणी कार्य मंत्री, तब हमने दीक्षा भूमि में कई विकास का